हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज मैं आपको लेके चल रहा हूँ भावना नमकीन एंड स्वीट। दोस्तों, ये स्वीट भंडार महाराणा प्रताप चौक पाली राजस्थान में आया हुआ है। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पे खाने लायक क्या क्या चीज़ें मिलती हैं, तो हमारे साथ जुड़े रहे। भावना नमकीन स्टोर। यहाँ पे मिर्ची बड़ा, कोफ्ता, समोसा, जलेबी, प्याज की कचौरी, फाफड़ा, सब नाश्ते की चीज़ें यहाँ हमें मिल जाएगी। और आप लोग मेरे साथ देख ही रहे हो कि दुकान पे भीड़ भी बहुत ज़्यादा है। और ये हमारे ऑनर है शंकर जी, जो कुछ सामान मंगवा रहे हैं, और इनके बड़े पैसा भमसा जो भी ये मिर्ची बड़ा निकाल रहे हैं। और ये बहुत ही शानदार मसाला बनाते हैं और उतने ही टेस्टी बनाते हैं। और बहुत ही अच्छी लगन से ये काम भी कर रहे हैं साथ में। और ये अभी प्याज की कचौरी बना रहे हैं और बहुत ही जल्दी ग्राहकों को खाने के लिए मिल जाएगी। ये अच्छी सी नमकीन है जो राजस्थान की सबसे प्रसिद्ध है, प्याज की कचौरी। वैसे इनकी दुकान की सबसे प्रसिद्ध नमकीन मिर्ची बड़ा है, जो यहाँ पे उपलब्ध मिल जाएगा आपको। और कितने प्यार से ये कचौरी बना रहे हैं। अब आपको मैं अंदर की ओर लेके चलता हूँ। ये इनका काउंटर है और ये इनके बड़े भाई साहब हैं। यहाँ पे आपको मीठी चटनी भी मिल जाएगी, कोफ्ता भी मिल जाएगा, फाफड़ा भी मिल जाएगा, ब्रेड भी मिल जाएगी, और स्पेशल मिर्ची भी मिल जाएगी, फीका मावा भी मिलेगा, खमण भी मिलेगा जो गुजरात का प्रसिद्ध है, मसाला छाछ भी यहाँ उपलब्ध है, शाही लस्सी मिलेगी आपको जोधपुर की प्रसिद्ध, और साथ में अच्छी अच्छी क्वालिटी की आइसक्रीम भी आपको खाने के लिए यहाँ पे मिलेगी, और साथ में कॉर्न भी मिलेगा। और दोस्तों, ये देखो शंकर भाई खड़े हैं और अपने कस्टमर से बात कर रहे हैं और इनको अच्छी अच्छी मिठाइयाँ बता रहे हैं और इनको दे भी रहे हैं। यहाँ पे आपको जलेबी, मीठी वाली कचौरी और नमकीन, बालाजी की नमकीन भी यहाँ पे आपको छोटे से लगा के बड़े पाउच तक मिल जाएगी। और यहाँ पे हाथ से बनाई हुई इनकी नमकीन, जैसे गांठिया, पानी पूरी, बारीक नमकीन, मिक्सर नमकीन, पापड़ी और रसगुल्ले, भुजिया, और ये इनका दुकान का इंटीरियर मैटर है। ये साइड में फ्रिज पड़ा है जिसमें ये कुछ पनीर वगैरह रखते हैं। और ये इनके देवताओं का मंदिर भी इन्होंने दुकान में रखा है। और राजस्थान की तो ये सबसे बड़ी बात है, जहाँ कहीं पे भी मंदिर हो वहाँ पूजा होती है और देवता वास करते हैं। ये इनके कुलदेवी का मंदिर है।
और ये सामने खेतेश्वर भगवान की भी आपको फोटो देखने को मिलेगी, जो इनके सामाजिक गुरु है। और यहाँ पे आपको बड़ी नमकीन, छोटी नमकीन, वड़ा पाव, पाव भाजी, वो भी साथ में आपको खरीदने के लिए मिलेगी। और साथ ही साथ में इस मिष्ठान भंडार में और स्वीट में आपको बंगाली मिठाई, राजभोग, कलाकंद, बालूशाही, चमचम, व्हाइट रसगुल्ले, पेड़े और बंगाली मिठाई तो और भी आपको अलग अलग क्वालिटी में मिलेगी। केसर पेटा मिलेगा आपको, और ये राजस्थान की प्रसिद्ध है नुक्ती, नुक्ती के लड्डू, बेसन की चक्की और बूंदी। नुक्ती उसे बोलते हैं राजस्थान में, नुक्ती बोलते हैं बट हमारी भाषा में उनको बूंदी बोलते हैं। और राजस्थान के पाली जिले का प्रसिद्ध हलवा गुलाब हलवा भी इस दुकान पे अपन को मिलेगा। साथ में मावा के पेड़े, बेसन की चक्की, गुलाब जामुन, काली मैना भी यहाँ की एक प्रसिद्ध मिठाई है, सोन पापड़ी, ये सब चीज़ें आपको यहाँ पे मिलेगी। और ये देखो बहुत ही चाव से ग्राहक बैठ के नाश्ता कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि यहाँ पे बैठने की व्यवस्था भी हमारे शंकर भाई ने बहुत अच्छी की है। साथ में यहाँ पे कोल्ड ड्रिंक मिल जाएगी, चॉकलेट मिल जाएगी, पानी की बोतल मिल जाएगी, सब चीज़ बोले तो हमारे शंकर भाई रखते हैं। और आप देखो कितना अच्छा नज़ारा है भाई, कि व्यवस्था भी इन्होंने अच्छी कर रखी है, जो कस्टमर आराम के साथ बैठ के और साथ में अपनी फैमिली को भी बिठा के यहाँ पे अपन नाश्ता कर सकते हैं, नमकीन का लाभ उठा सकते हैं। क्योंकि यहाँ पे सबसे बड़ी बात है कि बैठने की व्यवस्था इन्होंने बहुत ही अच्छी तरीके से की है। और ये आने वाले कस्टमर के साथ, ग्राहक के साथ फैमिली टर्म्स बना के रखते हैं और उनके सामने एक परिवार की तरह पेश आते हैं। वो खुद नहीं बताते हैं कि भाई दुकान किसकी है, वो है वो है, वो सबको एक जैसा मान के अपने कस्टमर को सेटिस्फाइड भी करते हैं। और यहाँ पे अलग अलग प्रकार की मिठाइयाँ, जैसे मैदा की बालूशाही हो गई। और अब दोस्तों मैं आपको लेके चलता हूँ उनके कारखाना में, जहाँ पर ये अलग अलग तरीके से मिठाई बनाते हैं। और ये आपको जो डिस्प्ले पे सामने नज़र आ रही है, जो दूध गर्म करने की एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है, होती ही तो गैस से ही है बट चलती ये लाइट से है, और कितने अच्छे से ये दूध गर्म कर रहे हैं। और ये कोई कारीगर है जो बालूशाही बना रहे हैं, आप खुद देख सकते हो कितनी अच्छी और कितनी क्वालिटी में बालूशाही बना रहे हैं। और एक बार तो खाने का मन भी करता है, मेरा भी तो, आप लोगों का तो करता ही होगा। और इनका काम करने का तरीका एकदम साफ सुथरा है, बर्तन को अच्छी तरह से धोते हैं, अच्छी जगह पे ये मिठाइयाँ तैयार करते हैं। और एक भाई साहब देखो कितने प्यार से बालूशाही बना रहे हैं। ये सबसे पहले मैदे से बनती है, तो ये भैया बैठे बैठे ये कारीगर हैं जो बना रहे हैं, ये इनके पूरा स्टाफ है। और इनके स्टाफ का भी स्वभाव है वो बहुत ही अच्छा है, वो नहीं शंकर भाई ऐसा नहीं बोलते कि तू हमारा नौकर है, वो एक भाईचारे की तरह काम करते हैं। और ये अभी कचौरी का मसाला तैयार हो रहा है, और बड़े चाव से देखो कचौरी बना रहे हैं। ये कचौरी का मसाला है जो प्याज और आलू से बनता है। और ये भैया देखो दूध गर्म कर रहे हैं, तो व्यवस्थित तरीके से, कोई तो मुंह से थैली फाड़ता है बट इन्होंने कैंची से थैली को काट के दूध को उस मशीन में डाला है। और इससे भी इनकी जो होटल है, इनकी जो दुकान है, सबसे
अच्छी मिठाई बनेगी इसी दूध से और इसी मशीन से, जिसे बोलते हैं कलाकंद। और ये भैया समोसे की भी तैयारी कर रहे हैं, साथ में समोसा बना रहे हैं। एक भाई समोसा लगा रहा है, एक भाई समोसा बना रहा है। और इनका काम करने का तरीका बहुत ही अलग अंदाज का है, साफ सुथरा एकदम काम कर रहे हैं। और गंदगी भी देखने को नहीं मिल रही है हमें तो इस होटल में, व्यवस्थित तरीके से काम करते हैं। और अंकल को बहुत ही मज़ा आ रहा है। और ये वापस हम बालूशाही की ओर से पास में से निकल रहे थे, सोचा किस टाइप से आप बन रही है तो आपको बता दूं, एकदम प्योरिटी प्योर घी में बना रही है ये। अपनी कलाकंद का दूध तैयार हो गया है, एकदम गर्म दूध इन्होंने तैयार कर दिया है। और ये भाई देखो, अब आपको डोसा खाना है तो भी हमारे शंकर जी की स्वीट पे आ सकते हो। कितने अच्छे चाव से डोसा बना रहे हैं। मैंने एक प्लेट ऑर्डर किया है डोसे का, जो थोड़े ही टाइम के बाद मेरे पास आएगा। इनका टेस्ट कैसा होता है वो मैं आपको खुद खा के बताऊंगा। भाई यहाँ पे जो बनाने की विधि है वो सबसे अलग ही है। भाई साहब ने मेरे लिए दो डोसे तैयार किए हैं, और एक मेरे लिए और एक मेरे प्यारे भाई साहब कैमरामैन है हमारे साथ रमेश जी, मेरे अजीज मित्र भी है और मेरा सपोर्ट भी करने वाले हैं, उनके लिए भी तैयार किया है। तो हम दोनों एक साथ खाएंगे और स्वाद का पता करके आपको भी बताएंगे कितना शानदार डोसा बनाते ही है। एकदम व्यवस्थित तरीके से काम कर रहे हैं सब बंदे, और साफ सफाई देखो सब चीज़ में औजार का इस्तेमाल करते हैं। ये अपनी चटनी है, मूंगफली की चटनी है जो डोसे में काम आती है, प्याज की चटनी, हरी चटनी, पुदीने की चटनी, मीठी चटनी। और भाई मेरे लिए देखो सांभर और डोसा और चटनी की प्लेट बना रहा है। और खाने का अंदाज ही कुछ अलग ही है। एकदम अल्टीमेट जो ये चीज़ है ना, बहुत अल्टीमेट है, मज़ा आ गया एकदम। इनका जो टेस्ट है ना एकदम अच्छा है। और ये पानी की व्यवस्था देखो कितनी अच्छी, ठंडे पानी की व्यवस्था भी कर रखी है, तेजस चाय। अब आपको मैं चाय के काउंटर की ओर लेके चलता हूँ। तेजस चाय जो महाराष्ट्र की प्रसिद्ध चाय है, और शंकर भाई ने इस चाय को राजस्थान में लाया है, और आपको थोड़ी देर में चाय भी किस टाइप से बनाते हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि मैंने सुना कि शंकर भाई की चाय बनाने का कुछ तरीका अलग है। तो ये भाई खड़े हैं चाय वाले, ये कुछ जेब से निकाल रहे, कप निकाल के रखा इन्होंने, और ये पीछे कोल्ड ड्रिंक वगैरह सब कुछ है। तेजस चाय महाराष्ट्र की मशहूर चाय, अब राजस्थान में। तेजस आपको पता होगी कि हमारे एक लड़ाकू विमान का नाम है। इन्होंने एक अच्छा प्रोडक्ट लिया है तेजस। और ये देखो हमारे पुराने टाइम की केतली, इसको आजकल स्टील की होती है बट पुराने टाइम में ये हमारे पीतल की होती थी। और ये हमारे शंकर भाई है, ये भैया चाय बना रहे हैं अभी, क्या कुछ अलग काम कर रहे हैं। अभी चाय का ऑर्डर दिया है तो कुछ मसाला वसाला निकाल रहे हैं साथ में। सामने से शंकर भाई आ रहे हैं, बनाने का ऑर्डर भी दे दिया है। और ये देखो चाय बनाने की जो इनकी विधि है, देखो अब चाय की थैली को कैसे काटा आपको पता है, कैंची से। इन्होंने बड़ा चम्मच लिया है, और हमारे शंकर भैया बहुत ही सरल स्वभाव और एक व्यवहारिक आदमी है, बहुत ही नेक इंसान भी है साथ में। और इनका जो व्यवहार है ना, इनके पीछे ही सारे कस्टमर आते हैं। भाई साहब ने चाय बनाना शुरू किया है,
ये चाय में दूध डाल रहे हैं। यहाँ का डोसा मैंने खाया, बहुत ही मज़ा आया, बट चाय पियेंगे तब और कितना मज़ा आएगा वो भी मेरा अनुभव मैं आपको बताऊँगा। तो मेरे साथ आप लगातार जुड़े रहे हैं और मैं आपको यही बताना चाहूँगा कि आप भी मेरी तरह इस स्वीट होम पे आए और जो भी सामान खरीदो आपको मिल जाएगा। और यहाँ पे चाय बनाने का अल्टीमेट जो तरीका है, टाइमिंग के हिसाब से चाय बनाती है। आपको सामने टाइमर मशीन दिख रही है और इसी मशीन के चलते वो चाय अभी बन के रेडी हो जाएगी। मैंने इनसे पूछा था तो बोला कि ये 6 मिनट से या 7 मिनट तक चाय बन के रेडी हो जाएगी। ये इन्होंने चाय उबालने के लिए रख दी है, चाय की पत्ती भी डाली है जो तेजस हमारे लड़ाकू विमान के नाम पे है, तेजस चाय। कितने प्यार से और चाव से ये भैया चाय बना रहे हैं। चाय उबल गई है और दिखने में बहुत अच्छी दिख रही है ये अपन को। मैं आप लोगों को यही बोलना चाहूँगा कि आप चाय कहीं पे भी पियो, बट तेजस जैसी चाय आपको नहीं मिलेगी। इन्होंने चीनी डाल दी है अब और थोड़ी देर में मेरे सामने चाय बन के रेडी हो जाएगी। और एक ही टेम्परेचर पे ये चाय बना रहे हैं और इसमें अभी कुछ कंपनी का मसाला है, तेजस का, तेजस अमर तुल्य चाय का कुछ मसाला है इन्होंने डाल दिया है, जिससे और भी शानदार चाय बनेगी। ये कप प्लेट पड़े हैं, आप देख सकते हो कि चीनी के कप में चाय देते हैं, ना कि डिस्पोजल ग्लास में। चीनी के कप में ये चाय पिलाते हैं आने वाले ग्राहक को, जैसे हम अपने घर में यूज करते हैं उसी तरह से आपको ये चाय पिलाएंगे चीनी के कप में। इन्होंने एक बहुत ही अच्छा देखो भगोला लिया, उसको व्यवस्थित तरीके से धोया भी है और अभी भैया इस भगोले के अंदर पूरी चाय को छान के डाल देंगे। ये दोबारा धो रहे हैं तो वापस धो रहे हैं। इन्होंने एक बर्तन से दूसरे बर्तन में देखो व्यवस्थित तरीके से चाय भी डाल दी है। ये तेजस कोई नाम नहीं है, ब्रांड है, एक ब्रांड तेजस चाय ब्रांड का नाम है, ब्रांड है एक जो अभी राजस्थान में हमारे शंकर भाई ने शुरू की है। और भाई साहब ने थर्मस में चाय डाल दी है और थोड़ी देर के बाद सभी ग्राहक के पास ये चाय पहुंच जाएगी। आज मैं आपको रूबरू करा रहा हूं पाली की सुप्रसिद्ध मिष्ठान भंडार भावना नमकीन। नाम तो शायद आपने सुना ही होगा, मगर मैंने भी सोचा कि आज शंकर जी भाई साहब से आमने सामने जाके कुछ बातें भी करूं और उनकी भी कोई राय लेता हूं भाई, किस वजह से यहां पे इतनी भीड़ की जमाव भी रहती है और क्या क्वालिटी रखते हैं। मैं आपको इनकी सहायता से और दर्शकों की सहायता से बताना चाहता हूँ। शंकर जी नमस्कार सर। मैं काफ़ी टाइम से इस रास्ते से गुजरता भी हूँ, देखता भी हूँ और घूमता रहता हूँ, तो इतनी भीड़ किसी भी दुकान या मिष्ठान भंडार पे मैंने नहीं देखी है जितनी आपकी जो मिष्ठान भंडार है ना उस पर मेरे को देखने को मिलती है। इसकी कुछ राय होगी तो मेरे को थोड़ा उसका बता सकते हो तो आप? सर राय तो ये है, हम क्वालिटी अच्छी देते हैं और जो इसमें यूज़ होते हैं वो प्रोडक्ट अच्छे यूज़ करते हैं और हमारे यहाँ पर सबसे अच्छा आपको मिर्चीपुड़ा मिलेगा। उसके बाद में आपको कलाकंद मिठाई है, मावे की मिठाई है, बंगाली है और अभी हमने लेटेस्ट चाय चल्लू की है तेजस, जो महाराष्ट्र की विशेष है वो तो भी आप। शंकर जी मैं यही बताना चाहता हूँ आपको और आपकी जो मिष्ठान भंडार है ना उसमें ये मिठाई है ना उसकी सबसे प्रसिद्ध मिठाई कौन सी है जो अपने मार्केट में रेगुलर ज़्यादा चलती है? अभी हमारे पास मिश्री भवा है सर, जो हमारे यहाँ का मिठाई के अंदर सबसे बेस्ट है और उसके बाद में आपको जोधपुरी माखन या लस्सी मिल जाएगी जो हमारे यहाँ पर सबसे अच्छी मिलती है और क्वालिटी भी बेस्ट है। अच्छा, जोधपुर की माखन या लस्सी? हाँ सर, उसकी भी क्वालिटी आप रखते हो अपने पास, ठीक है। हाँ सर, और मैंने अभी रास्ते में जाते हुए देखा था आप जो चाय बनाते हो ना,
महाराष्ट्र की प्रसिद्ध चाय, इसका आइडिया आपके दिमाग में कैसा आया? कभी राजस्थान में कोई महाराष्ट्र का ब्रांड लेके आए और उसका मार्केटिंग हो तो ये आपके दिमाग में कैसा है? जैसे राजस्थान में चंपालाल चलता है, मिश्रीलाल चलता है, और आप एक अलग ही ब्रांड लेके आए हो इंडिया का तेजस, उसकी भी कोई राय होगी थोड़ी बहुत बताएंगे आप? सर इसमें अपना यही है कि अपना तो पार्टी की जनता को अच्छी से अच्छी चीज़ देने का है, हैंडमेड में, और चीज़ अच्छी लगी तो इसलिए मैं ये चीज़ आपके पाली शहर वाचों के लिए लेकर आया, और क्वालिटी भी अच्छी है, आप लोग टेस्ट करके देखोगे तो आपको खुद भी पता लगेगा भाई कैसी चीज़ है। इसमें आप जो चाय बनाते हो उसमें मसाला कौन सा यूज करते हो जिससे उसका टेस्ट बनता है? मैंने पी के देखी अभी आपकी चाय, तो मैंने सोचा पूछ लूँ भी आप इसमें कौन सा मसाला यूज करते हो? तो कंपनी का ही खुद का मसाला आता है, उसके बाद में अमूल गोल्ड दूध यूज़ करते हैं, इसके अंदर अच्छी क्वालिटी बनाते हैं और बहुत ही बढ़िया वाला, कहने का मतलब टाइमिंग के हिसाब से इसको सेट करके बनाया जाता है और बहुत प्रोफेशनल तरीके से। तो शंकर जी आप इसमें पानी भी डालते हो या फिर पूरा प्योर दूध से? यार प्योर गोल्ड दूध में बनता है, इसके अंदर पानी वगैरह कुछ भी नहीं डलता है। और आपकी दुकान की एक खासियत देखी, चाय तो मैंने हर जगह पे पी है मगर आपके चाय बनाने का जो राज है ना, घड़ी वाला टाइमिंग दे के उसके हिसाब से, क्या आपके ये आइडिया आपने कहाँ से लिया था? ये सब कंपनी का भी प्रोसेस है, टाइमर के हिसाब से इसमें बनती है चाय वगैरह और टाइम के हिसाब से इसको बनाना पड़ता है। शंकर जी मेरे दिमाग में एक और सवाल चल रहा है कि अपने पास मिठाई के अलावा नाश्ते में और क्या क्या चीज़ है? नाश्ते में आपको मिर्ची वड़ा मिल जाएगा, प्याज की कचौड़ी मिल जाएगी, समोसा है, इडली है, डोसा है, वड़ा पाव है, पाव भाजी मिल जाएगी, बहुत सारे आपको फास्ट फूड के जो है हमारे पास अवेलेबल, और लेटेस्ट जो अभी हमने चालू किया है इडली और डोसा, और बहुत प्रोफेशनल तरीके से एक बार टेस्ट करके देखे, बहुत ही स्वादिष्ट है। यहाँ पे सबसे ज़्यादा आपके डोसा चलता है, इडली चलती है, मिर्ची बड़ा चलता है या प्याज की कचौरी चलती है? हमारा मेन प्रोडक्ट है मिर्ची बड़ा, और मिर्ची बड़ा सबसे फास्ट चलता है हमारे यहाँ, और मिर्ची बड़ा में अच्छी क्वालिटी का वाले बनाते हैं। मैं भी शंकर जी, मैं कम से कम, मेरे को एक घंटा हो गया यहाँ आपके खड़े होते, मैं इतनी भीड़ आज तक मैंने किसी भी मिष्ठान भंडार पे नहीं देखी है जितनी आपकी शॉप पे है। देखो सर पाली वालों का विश्वास है हमारा, और हम विश्वास ही कायम रखना चाहते हैं और अच्छी क्वालिटी दे रहे हैं, इस हिसाब से लोगों को भी संतुष्टि होती है हमारे यहाँ आने पर। और जो आप नमकीन बनाते हो उसमें कौन सा तेल यूज लेते हो? हम मूंगफली का तेल यूज लेते हैं, और क्वालिटी अच्छी है सर हमारे पास, और खुद का ही यहाँ का मसाला वगैरह सब मैं खुद ही बनाता हूँ। अच्छा, आप खुद अपने हाथों से मसाला बना के ये सब तैयार करवाते हो? तो दोस्तों आपको बताता हूँ कि पाली में भावना नमकीन पे चाय का ब्रांड शुरू हुआ है तेजस चाय, और ये चाय सिर्फ आपको 6 मिनट में पीने के लिए मिल जाएगी। और ये दुकान अपनी शंकर भाई की है जो पाली जिला के महाराणा प्रताप चौक पे स्थित है, और एक बार यहाँ पे आके इनकी चाय का आनंद लीजिए। मैंने तो लुप्त उठाया है, बट एक बार आप भी इनको सेवा का मौका दीजिए।